चैम्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैम्स एजुकेशन के इस क्लास में आज हम बात करेंगे अबाकस लेवल 1 क्लास 5 सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंगल डिजिट। अभी तक हमने आपको बेसिक अबाकस के बारे में बताया, काउंटिंग करना 0 से 99 कैसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। अबाकस से हमने आपको काउंटिंग करना बताया, फिंगर टेक्निक्स बताई। आज हम बात करेंगे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, अबाकस से हम कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारी 4 वीडियोस देखी जिसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4, उसको आपने लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वो वीडियो पसंद आई होंगी और आपको उससे कुछ फायदा मिला होगा। तो चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सिंगल डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ सम्स हमने यहां पर लिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं 2, 2 एंड 5। तो हम इसको अपने अबाकस पर कैसे एडिशन से कर सकते हैं ये हम देखते हैं आज। तो जैसा कि आपको पता है ये सेंटर पॉइंट हमारा वंस प्लेस होता है। तो सबसे पहली डिजिट है 2, तो हम 2 बिट्स को ऊपर करेंगे। एडिशन में हमेशा नीचे वाली बिट्स ऊपर जाती हैं, तो 2 बिट्स हमने ऊपर कर दी। अगेन 2 है तो हम फिर से 2 बिट्स को ऊपर करते हैं। उसके बाद है 5 नंबर, इट मींस कि हमारा 5 नंबर नीचे आ जाएगा। एडिशन में ऊपर वाली बिट्स हमेशा नीचे जाती हैं। दूसरा आप अपना ध्यान रखिएगा एक चीज का और, कि अगर हम स्टूडेंट अबाकस, जैसे कि स्टूडेंट अबाकस हमारा छोटा होता है, तो हमें नीचे वाली बिट्स को हमेशा हम थंब से ऊपर करेंगे और ऊपर वाली बीट्स के लिए हम फिंगर का यूज करेंगे। तो अब जैसा देख रहे हैं हमारा आंसर अबाकस पे आ गया है 2, 2, 5। तो आंसर वहां पर आपको 9 शो कर रहा है। जैसे आप जानते हैं 5 नंबर है 6, 7, 8, 9, तो दिस इज 9। जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप एकदम आंसर बता पाएंगे कि ये कौन सा डिजिट है। तो अब हम यहां आंसर लिख देते हैं दोस्तों 9। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं। अगेन हमने क्वेश्चन लिया है 5, 2, 1। तो अब देखते हैं कि अबाकस पर हम कैसे एडिशन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने 5 लिया, 5 नीचे आ गया, उसके बाद 2 डिजिट, तो 2 बीट्स ऊपर चली गई, अगेन 1, तो 1 बीट नीचे से हमने ऊपर कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि अबाकस पर इसकी वैल्यू है 8, 5, 6, 7, 8, तो 8 इसकी वैल्यू है, यहां हम लिखेंगे 8। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमने लिया है 2, 1, 1, तो इसको 0 कर देते हैं। फर्स्ट नंबर है 2 हमारे पास, तो 1 प्लेस पर हमने 2 ऐड किया। अगेन 1 है हमारे पास, तो 1 ऐड किया, अगेन 1 है हमारे पास, तो फिर हमने इसको 1 ऐड कर दिया, तो दिस इज 4। 4 बीट्स हमारी ऊपर वैल्यू बार को टच करती है, तो इसको हम बोलते हैं 4। तो अब हम लिख देंगे यहां पर 4 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3, 1, 5। अब हम अपने अबाकस को फिर से 0 कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा पहला लेवल, पहला क्वेश्चन है हमारा 3, तो हमने 3 ऊपर कर दिया, अगेन 1 है, फिर हमने 1 ऊपर किया, 4 हो गया, अगेन 5 है, तो हमने फिर से 5 को नीचे कर दिया, तो अब हमारा आंसर आ गया अगेन 9 आ गया। तो आप चेक कर सकते हैं कि इनका आंसर आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है। 3, 1, 5, 9 होता है, 2, 1, 1, 4 होता है, 5, 2, 1, 8 होता है एंड 2, 2, 5, 9 होता है। तो ये हमने अभी 4 क्वेश्चन आपको बताए एडिशन, सिंपल एडिशन के लिए 4 क्वेश्चन और बनाए हैं जिसमें एडिशन का ही अभी पार्ट लिया हमने। तो किस तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस को भी एडिशन से कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 6, 2, 1। तो सबसे पहले 6 को हम कैसे ऊपर करेंगे, आपको अपने थंब को नीचे रखना है और फिंगर को ऊपर रखना है और 6 बनाना है, दिस इज 6। तो आपको 6 एक साथ करना होगा यहां पर, अगेन 2 लेंगे हम, उसके बाद 1 है तो 1 लेंगे, तो आंसर फिर से अगेन एक बार 9 आ गया दोस्तों, तो यहां लिख देंगे 9।
अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 711, तो इसको अबेकस को आप जीरो कर दीजिए। अगेन आपको 7 बनाना है, तो सबसे पहले आपको 7 बनाना होगा। इस तरीके से आप अपने अबेकस पर आराम से कर सकते हैं 7, तो दिस इज 7, अगेन 1, अगेन फिर 1 है तो हम फिर से 1 लेंगे, तो अब फिर से आंसर हमारा आया 9, तो 7 8 9। अगेन एक दूसरा क्वेश्चन हमने लिया यहां पर दोस्तों 4 एंड 5, तो अब कैसे आप देखते हैं 4 5 को, 4 रिकॉग्नाइज करते हैं हम इस तरीके से, 4 को 4 बीट ऊपर कर देते हैं तो ये आ गया 4, अगेन 5 है तो 5 में ऊपर की बीट नीचे आ जाएगी, तो अगेन आंसर हमारा आया 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन और लिया हमने 8 एंड 1, तो अब इसको जीरो कर दीजिए और अपने अबेकस में सबसे पहले हमें 8 को ड्रॉ करना है, तो 8 में 3 बीट्स एंड 5, दिस इज 8, तो आपको एक साथ 8 लेकर आना होगा अपने हैंड से, एंड 1, अगेन 1 हमने ऐड किया तो आंसर आया हमारा 9, दिस इज 9। तो अभी आपने देखा हमने कुछ एडिशन के क्वेश्चन लिए जिसको कि हमने अपने अबेकस से सॉल्व किया, तो आपको बहुत इजी लगा होगा, ये बहुत फर्स्ट लेवल है, बेसिक लेवल है जिसको आपको समझना जरूरी है। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चन को फिंगर से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको फिंगर टेक्निक भी बताई थी। फिंगर टेक्निक से अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आपको अपने वंस प्लेस यानी राइट हैंड पर, क्योंकि वंस प्लेस हमारा राइट साइड में होता है, तो राइट साइड का पहले हम जीरो बनाएंगे। अगेन हमने सबसे पहले लिया 6, तो अपने फिंगर्स पे हमें 6 को करना होगा, जैसे हमने आपको बताया था काउंटिंग में कि 6 इस तरीके से हम लेते हैं। उसके बाद 2 लेते हैं, 2 डिजिट है, 2 है, 2 नंबर, तो 2 बीट्स ले ली हमने, 2 फिंगर्स ले ली। उसके बाद 1 है तो 1, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये आपका आंसर आया 9 और यहां पर हमारा आंसर 9 है। चलिए आगे क्वेश्चन ले लेते हैं फिंगर टेक्निक से जल्दी से। अगला नंबर है 7, तो हमें 7 शो करना होगा अपनी फिंगर से। उसके बाद 1 है तो 1 फिंगर, अगेन 1 है तो 1 फिंगर, तो फिर से आप देख रहे हैं कि हमारा आंसर 9 आया है। फिंगर टेक्निक में हमने आपको बताया था कि ये 9 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, 4 एंड 5, तो पहले 4 फिंगर आपको दिखाना होगा, 4 फिंगर खोलना होगा, अगेन 5 5 के लिए हम थंब को आगे करेंगे, शो करेंगे तो आ जाएगा 9। अगेन फिर से आप देख रहे हैं कि 9 हमारा आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 एंड 1, तो अगला क्वेश्चन हमने लिया 8 एंड 1 1, तो देखिए 9 फिर से आ गया, तो अब हमारा आंसर आया 9, अगेन फिर से 9 आ गया है। तो ये हम दोनों टेक्निक्स यानी अबेकस और फिंगर टेक्निक्स दोनों से हम कैसे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये अबेकस का सबसे बेसिक लेवल है। सबसे बेसिक लेवल से अगर आप स्टार्ट करते हैं और आप इसको जल्दी से कैच करते हैं तो आप आगे बड़े से बड़े नंबर को भी जल्दी से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम एडिशन कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन पर, सब्ट्रैक्शन कैसे हम कर सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन सिंगल डिजिट, सिंगल सब्ट्रैक्शन सिंगल डिजिट हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एडिशन में नीचे वाली बिट्स ऊपर जाती हैं और ऊपर वाली बिट नीचे आती है, तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में हमेशा उल्टा होता है, नीचे वाली बिट्स नीचे जाती हैं और ऊपर वाली बिट्स ऊपर जाती हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं 6 2 -1, तो सबसे पहले आप अपने अबेकस पर 6 बनाएंगे, 6 5 1 6 2, तो 2 बीट ऊपर चली जाएंगी, नीचे वाली बीट्स को याद रखिएगा हमेशा थंब से ऊपर करेंगे, एंड -1, तो जैसा हमने बताया -1 में बीट्स नीचे आ जाती हैं, तो ये हमने माइनस कर दिया, तो अब आंसर आपका आ गया 7, तो यहां 7 लिख देंगे। अगेन हम चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन है 7 2 -2,
तो अभी आप देख रहे हैं आपके अबेकस पर 7 है, एक बार हम जीरो कर देते हैं इसको, 7 नंबर है, तो 7 को आप ऐसे थंब से नीचे करेंगे 2 बीट्स को, साथ में ऊपर फिंगर से लाएंगे 5 को नीचे, तो ये बनेगा 7। फिर हमने 2 लिया है तो हमने 2 कर दिया ऊपर, अब अगेन -2, पहले हमने -1 किया था, अब देखेंगे -2 कैसे कर सकते हैं। तो -2 में हम फिर से 2 बीट्स को नीचे कर देंगे, तो अगेन हमारा आंसर आ गया 7। अब हम दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, 4, 5, -3। अभी हमने -1 किया, -2 किया, अब हम -3 करेंगे। तो सबसे पहले अबेकस को आप जीरो कर दीजिए, 4 नंबर तो 4 बीट्स ऊपर, 5 नंबर तो 5 बीट्स नीचे आ गई, ये एडिशन हो गया 9, 4, 5, 9। अब हमारा -3, तो -3 में हम वही करेंगे, 3 बीट्स को हम नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन -3 से, तो आंसर आ गया हमारा 6। तो अब आप देख सकते हैं 4, 5, 9, -3, 6, तो अब आपका आंसर 6 हो गया। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको जीरो कर दीजिए, अगला नंबर है 8, तो अब आपको फिर से 8 लेके आना होगा, ये 8 बन गया, फिर 1 है हमारा, तो हमने 1 ले लिया, अगेन -4 है, तो आपको -4, जैसे कि हमने पहले -1 में 1 बीट को नीचे किया, -2 में 2 बीट्स को नीचे किया, -3 में हमने 3 बीट्स को नीचे किया, अब हम करेंगे 4, -4, तो अब हम 4 बीट्स को आप नीचे कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो बहुत इजी है दोस्तों, अब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी जल्दी से आ जाएगा। अब आपने देखा यहां पर हमने -1, -2, -3 एंड -4 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, अभी आपको हम 4 क्वेश्चंस और लेते हैं, उसमें हम आपको -5, -6, -7 एंड -8। तो चलिए दोस्तों, हमने कुछ और माइनस के जैसे सब्ट्रैक्शन के सम्स हमने लिए हैं, अभी और आप देख रहे हैं, जैसे हमने -5 लिया है, तो सबसे पहले 6, 2 और अगेन -5 करेंगे, तो सबसे पहले हमने 6 लिया, तो आप अपने बैकस पे 6 ले लीजिए, अगेन उसके बाद 2 लेना है तो 2 ले लीजिए एंड -5, तो वही हम -5 को करेंगे, ऊपर की बीट हटा देंगे, ऊपर चली जाएगी वैल्यू बार को, जो बीट टच नहीं करती तो उसको काउंट नहीं करते, तो अगेन हमारा आंसर आ गया है 3। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 7, 2, -6। अब हम 7 लेंगे, तो 7 अबेकस पर आपको इस तरीके से 7 बनाना होता है, उसके बाद 2 बीट्स ऊपर गई एंड -6, तो -6 में हमने 1 बीट को माइनस किया और ये 5 को माइनस कर दिया, तो दिस इज 6 -6, तो आंसर आ गया फिर से अगेन 3। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2, 5, -7, तो 2 सबसे पहले 2 बीट्स ऊपर गई, 5 तो 5 बीट्स नीचे आ गई, 5 नंबर एंड फिर 7 माइनस कर दिया, तो अब हम 7 देख रहे हैं कि आपके अबेकस पे 7 आंसर है, 7 को हमने माइनस कर दिया, तो अगेन आंसर आ गया हमारा 0। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 5, 3, -8, तो सबसे पहले 5 है तो 5 को हमने नीचे किया, 3 को ऐड किया, तो आंसर आया वहां पर 8, अब -8 किया तो 8 को हमने हटाया, आंसर फिर से हमारा आ गया 0। तो देखा आपने, बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको किस तरीके से सब्ट्रैक्शन कर दिया अबेकस से, तो ये हमारा सिंगल डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन था। अभी हम इसको अब अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, कैसे, 6, 2, -5, तो ये हमने -5 कर दिया, आंसर आ गया 3, अब देख रहे हैं हमारा 3 आंसर आ गया। अगेन हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 7, 2, -6, तो हमने यहां 7 लिया, 2 लिया एंड -6 कर दिया, तो फिर से आप देख रहे हैं आपका आंसर 3 आया, तो आप चेक कर सकते हैं 3 आंसर है हमारा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2, 5,
माइनस सेवन, तो माइनस सेवन आपके पास है, इसको आपने माइनस सेवन को माइनस कर दिया सेवन को, तो आंसर आया जीरो। अगेन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइव थ्री माइनस एट, तो फाइव थ्री एंड माइनस एट, तो आंसर हो गया जीरो। तो आपने देखा हमने सिंगल डिजिट सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आज आपने सीखा एबैकस से और फिंगर टेक्निक से। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको टू डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंगल एडिशन सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको सिखाएंगे एबैकस से भी और फिंगर टेक्निक से भी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप बताएं। कमेंट बॉक्स इस वीडियो के सबसे लास्ट में कमेंट बॉक्स होता है जहां पर आप अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नई वीडियो हमें मिल जाए, आपको पहले मिल जाए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एबैकस लेवल वन क्लास सिक्स में हम आपको सिखाएंगे टू डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। सिंपल हम इसलिए सबसे पहले करते हैं क्योंकि आपको सिंपल एडिशन एक बेसिक चीज है हमारी एबैकस में। अगर आपने सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया उसके बाद आगे लेवल में कॉन्सेप्ट आते हैं जिससे हम कैरी और बोरो ये सीख सकते हैं। तो पहले आप अपनी बेसिक चीजें क्लियर कर लीजिए उसके बाद हम आपसे आगे बात करेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।